नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है बिहार के इस वक्त के 10 बड़ी खबरों का। बिहार में महापर्व छठ के बाद लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे चला रहा है 80 ट्रेनें ताकि लोगों को ना हो यात्रा करने में परेशानी। कल से बिहार विधानसभा सत्र का आगाज, एक दूसरे पर भारी पड़ने की रणनीति बना रहा है पक्ष विपक्ष। बिहार के बेगूसराय में क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जा रहे स्वर्ण व्यवसायी के बेटे का अपहरण, मांगी 1 करोड़ की फिरौती। बिहार के राघोपुर में दिए से भड़की आग में जलकर 2 सगी बहनों की मौत, 2 बच्चियां भी झुलसे। बिहार में नवनिर्वाचित बीजेपी MLA रेशम वर्मा से मांगी गई 25 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में 7200 रुपए की लागत से बनेगा पहला 4-लेन एक्सप्रेसवे, 4 घंटे में तय होगी पटना की दूरी। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को मिली जीत के बाद बोले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, बिहार में चुनाव जीतने के पीछे नरेंद्र मोदी का कोरोना प्रबंधन रहा सबसे बड़ा फैक्टर। फर्जी आधार नंबर के साथ जूते में सोना छिपाए उड़ने की फिराक में था UP का रिजवान, पटना एयरपोर्ट से हुआ गिरफ्तार। पटना में डेंगू की चपेट में पुलिस अधिकारी और जवान, 12 पुलिस कर्मियों से ज्यादा बीमार। बिहार विधान परिषद के 7 नवनिर्वाचित सदस्यों ने हिंदी में तो एक ने मैथिली में ली शपथ। कार्यक्रम के दौरान CM नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी रहे उपस्थित। तो ये थी बिहार के इस वक्त की 10 बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ अब आप बिहार की बड़ी खबरों से भी रह सके अपडेट।